तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक और नए जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। कंपनी का नाम है IDBI बैंक और यहां पर काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो सभी वैकेंसीज की जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, नोटिफिकेशन के टॉप पर ही आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि 22/8/2021 यानी रक्षाबंधन के दिन तक इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो देखिए, इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आज ही इस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए अगर आप एलिजिबल हैं, क्योंकि देखिए इसकी लास्ट डेट बहुत नजदीक है और लास्ट डेट के दिन काफी ज्यादा ट्रैफिक रहता है, जिससे आपका फॉर्म भरने में काफी दिक्कत होती है। अब देखिए, यहां पर आप देखें तो सबसे पहले आपको यहां पर जोन दिखेंगे। जोन वाइज आप देख लीजिए कि आप किस जोन में आते हैं, किस स्टेट से हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आप किस जोन में आते हैं। उसके बाद आपको यहां पर नीचे मिल जाएगा जॉब जो वैकेंसीज हैं उसका डिस्क्रिप्शन। तो देखिए, यहाँ पर टोटल वैकेंसी 650 हैं और यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। आप देख लीजिए कि आपकी कैटेगरी में आपके लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं। वहीं अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो देखिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा क्वालिफिकेशन आपको नहीं चाहिए, सिर्फ आप ग्रेजुएट होने चाहिए विथ 60% मार्क्स। अगर आप SC ST PWD के हैं तो आपको 55% मार्क्स चाहिए, बस यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कुछ ज़्यादा नहीं है। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट यहाँ पर देखते चले, तो देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कट ऑफ जो बताया है, जो भी चीज़ें इन्होंने एलिजिबल के लिए, वो 1 जुलाई 2021 तक कंप्लीट होने चाहिए। और यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आप इंडियन होने चाहिए या फिर जो सारी चीज़ें होती हैं हर फॉर्म में वही हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, यानी कि आप ओवर एज हो गए हैं तो आप किस कैटेगरी में हैं, आपको कितना रिजर्वेशन मिलेगा, वो यहाँ पर बताया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मली इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से होता है, वही यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो फीस आपको लगेगी वो यहाँ पर दिया गया है कि 1000 रुपये आपको लगेगी अगर आप जनरल के हैं, OBC के हैं, या फिर जनरल OBC में 1000 रुपये, और बाकी अगर आप SC ST PWD के कैंडिडेट हैं तो आपको 200 रुपये फीस भरनी पड़ेगी। तो ये आपको फीस यहाँ पर दिया गया है। 10/8 से ये स्टार्ट हुआ था और 22/8/2021 इसकी लास्ट डेट है, यानी 3-4 दिन बचे हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। वहीं नेक्स्ट बात करें तो हाउ टू अप्लाई, तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दी गई हैं कैसे अप्लाई करना है। और नॉर्मली या तो आप खुद से फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को, या फिर आप किसी कैफ़े पर जाइए, उनसे बोलिए, तो वो 50 रुपये या कुछ पैसे लेंगे आपसे एक्स्ट्रा और इस फॉर्म को फिल कर देंगे। वहीं देखिए यहाँ पर बात करते हैं फ़ीस की, तो देखिए फ़ीस यहाँ पर फिर से मेंशन किया गया है। हाँ, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर आपको बताया गया है। उसके बाद पेमेंट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें जो हर फॉर्म के नोटिफिकेशन में आपको मिलेंगी वो यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन में जैसे कि ग्रेजुएशन और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यानी 10th 12th की मार्कशीटें भी आपको लगेंगी। वहीं वर्क एक्सपीरियंस अगर है आपके पास तो आप इसमें जो है उसके डॉक्यूमेंट जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो सब लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है वो चीज़। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी कास्ट पर क्लेम करते हैं जैसे PWD SC ST OBC, तो आप उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 10 तारीख से ये ओपन हो रहा था, अप्लाई करने के लिए ओपन हो चुका है, मतलब 22/8 यानी रक्षाबंधन के दिन तक इसकी लास्ट डेट है। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम की बात करें तो अगले महीने की 4 तारीख को ही एग्जाम है। आप देखिए टेंटेटिव डेट यहाँ पर दे दिया है, तो आप अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही फास्ट एग्जाम ले रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो देखिए यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, जिसमें आपको लॉजिक, रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इस टाइप के पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस कितने रहेंगे और कितना टाइम आपको, मार्क्स कितने हैं, और जो टाइम रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा इन सब क्वेश्चन को करने के लिए, यानी कि 200 क्वेश्चन 2 घंटे, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, इस टाइप से रहेगा। अब देखिए पेनल्टी यहाँ पर 0.25 माइनस मार्किंग यहाँ पर रखी गई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस मार्किंग यहाँ पर रहेगी। इंटरव्यू रहेगा, GD रहेगा। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम सेंटर है, आई होप कि आपकी सिटी में भी एग्ज़ाम सेंटर रहा होगा। नेक्स्ट बात करें तो देखिए यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, तो आपको इसको फॉलो करना है। और आई थिंक आप मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। एग्ज़ाम के बाद जो चीज़ें हैं फिर आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं अगर आपका एग्ज़ाम निकलता है।
और अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप हमसे क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।